So guys, once again, I'm off to explore a new enthusiastic location with our new bike, Bajaj Platina 115. तो गाइज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए लोकेशन पे और इस बार मेरी धन्नो है न्यू बजाज प्लैटिना 110। हजारों मर्तबा सोया हूँ सिर्फ इस उम्मीद में कि दिख जाए मुझे फिर वही सपना, दिखा था मुझे जो कोई अपना, लेकिन वक्त ने मोड़ा कुछ यूं रुख अपना कि अब डरता हूँ सोने से कहीं दिख न जाए फिर वही सपना। तो गाइज इसी खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ उसी उत्साह उसी उमंग के साथ अपने चैनल आशुतोष द ट्रैवलर में। और ये है वो खूबसूरत जगह जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज ना कोई पहाड़ों की वादियाँ होगी, ना कोई नया शहर होगा, आज हम लोग तलाशने चल रहे हैं एक नए मौसम की जो है बारिश। इन्हीं रास्तों पर चल के मुझे जाना है और ये है अपना नया लोकेशन। गाइस बारिश होने की वजह से ये जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते ये किनारे किनारे मिट्टी है जो कि मिट्टी गीली हो चुकी और मुझे डर लग रहा है कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। और अभी मैं वहां था, वहां से चल के आ रहा हूं। ये नज़ारा आप देखिए, क्या गजब का लोकेशन। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने सफर को जारी रखते हैं ऐसे जमीनी पेड़ पौधों के बीच। निकलने का मजा ही कुछ और। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बार फिर, तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस खूबसूरत से जगह पे और ये लोकेशन जो कि अभी मेरे पीछे चल रही है और इस लोकेशन का नाम है जो कि मुझे भी नहीं पता है अभी इस लोकेशन का नाम कोई ऐसा रखा नहीं गया है। ये तो बस यहाँ पे ये सुल्तानपुर और फैजाबाद हाईवे के जस्ट नीचे ये अपनी गोमती नदी है और इसी गोमती नदी के किनारे चूँकि बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से ये इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार फिर से लोकेशन दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें जब चेहरे को भिगोती थी तो ऐसा लगता था कि मानो हर बूंद मुझसे कुछ कहना चाहती हो। और ये क्या है आप बता सकते हैं? फिर से मिल चुके हैं एक नए लोग जो कि यहाँ भी आज फिशिंग कल्चर स्टार्ट है। मैं चलता हूँ उनके पास तो देखता हूँ कितनी मछलियाँ उन्होंने पकड़े हैं। गाइस रास्ता बहुत ख़राब है, मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, इनको यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भैया बारिश में भीगते हुए। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपनी इस खूबसूरत यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं और उधर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो मैं उन्हीं के पास चलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ एक बार फिर से नई मछली। तो आइए चलते हैं फिर। क्या मस्त नज़ारा है यार, कैसे कहूँ मैं, एक्सप्लेन कैसे करूँ क्या नज़ारा है। तो दादाजी को यहाँ सफलता मिलती हुई मिली नहीं आई फंसी। चलिए कोई बात नहीं, एक नया प्रयास। ये देखिए,
किस्मत चाचा जी की नहीं खराब थी, मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम है। मैं जिसके पास खड़ा हो जाता हूँ उसको मछली नहीं तो मिलती। तो दादाजी ने हमें जानकारी दी कि आखिरकार उन्हें एक बार फिर से सफलता मिल गई। भाई चलिए देखते हैं। क्या नाम है इसका, इस मछली का? चाइना रूहू। चाइना, चाइना रूहू नाम है इसका। साइज आप देखिए, थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये सफलता इन श्रीमान को मिली है। और जो गांव में मैंने आपको दिखाया था वहां पे एक नई स्टिक रहती थी, लेकिन ये देखिए चाचा जी, नई एक नई स्टिक है, इससे पकड़ते हैं वो मछली जो कि काफी लंबी है। तो समझिए एक किनारे खड़े होके सीधा समुंदर की गहराई में छलांग मारते हैं ये। तो गाइज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आज थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मछुआरों के लिए मछली उनकी रोजी रोटी है, और जब उनको मछली मिलती है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं खुश हूँ उनके लिए या फिर मैं अफसोस जताऊँ उन मछलियों के लिए जो तड़प तड़प के अपनी जान देती हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता आपको, क्योंकि ये रिवर साइड है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हवा चल रही होगी तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा कम क्लियर होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस लोकेशन को देखते हुए मुझे फिर एक शायरी याद आ रही है। तो गाइज एक शेर और मैं अर्ज करना चाहूँगा इस खूबसूरत वादियों को देखने के बाद। एक अरसा हुआ तुझे भुलाए हुए, एक अरसा हुआ तुझे भुलाए हुए, और तुझे आज भी लगता है कि मेरी शायरी में तेरा जिक्र है। थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी अपने में ही एक सफर है, तो फिर क्यों जिंदगी भर एक ही जगह रहना, एक ही तरह का खाना खाना और एक ही तरह के लोगों से मिलना। तो चलिए इस जिंदगी को काटने की बजाय जिंदगी को जीना शुरू करते हैं और हर एक लम्हे को यादगार बनाते हैं। तो अभी इस लोकेशन को हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, और करते हैं अपनी धनों का वेलकम जो कि अभी भीग गई है। तो अभी चलते हैं वापस घर। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है तो मैं आपको बता दूं, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वेलकम न्यू बजाज प्लैटिना 115। न्यू बजाज प्लैटिना में है ट्यूबलेस टायर विद 5 गियर मोड, जो कि अब हाईवे पे चलने का अलग ही लेवल का मजा देने वाला है। इसकी 240 mm के डिस्क प्लेट एक खूबसूरत बैलेंसिंग और कंट्रोलिंग देता है। 11 लीटर की फ्यूल टैंक लंबे सफर को आमंत्रण देती है। जबरदस्त सस्पेंशन, लंबी सीट और 200 mm का जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी रास्ते की तरफ बेधड़क चलने को मजबूर करती है। तो गाइस आज की वीडियो बनाते बनाते मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी डूबे जी की जुबानी। और गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी उत्साह इसी उमंग के साथ बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।